मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को तरंग प्रकृति के बारे में नॉलेज लेना होगा। तरंग प्रकृति, जिस तरह पदार्थ की प्रकृति का नॉलेज 7-8 क्लास से आप ले चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पदार्थ है, तो क्यों पदार्थ है? क्योंकि इसे नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, अध्ययन जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, और ये एक निश्चित जगह घेरता है, इसलिए ये पदार्थ। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थ होने के लिए जो अभिलाक्षणिक गुण होता है, जो निश्चित तौर पर पदार्थ होने के लिए आवश्यक गुण चाहिए, जैसे कि पदार्थ का अपना एक निश्चित आयतन होना चाहिए, एक निश्चित आकार होना चाहिए, उसका एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, तो आप कहते हैं क्या कि वो पदार्थ है। उसी तरह से तरंग प्रकृति को निर्धारित करने के लिए, तरंग होने के लिए 5 अभिलाक्षणिक गुण का होना अति आवश्यक है। ये 5 अभिलाक्षणिक गुण होने पर ही आप कहते हैं कि वो तरंग है। तो ये 5 अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो अभिलाक्षणिक गुण है वो है तरंग धैर्य, और तरंग धैर्य को इंग्लिश में कहते हैं वेव लेंथ। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। दूसरा है, दूसरा जो तरंग प्रकृति को निर्धारित करने वाला है वो आयाम। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तीसरा जो है आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और चौथा जो अभिलाक्षणिक गुण है वो है तरंग संख्या, वेव नंबर, वेव नंबर। और पांचवा जो है वो है तरंग वेग, यानी वेव वेलोसिटी। तो ध्यान दिया जाए, 5 अभिलाक्षणिक गुण जिसमें भी होगा, तरंग धैर्य, आवृत्ति, आयाम, तरंग वेग, तरंग संख्या, तो हम उसको तरंग कह सकते हैं। जैसे प्रकाश एक तरंग है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का एक निश्चित तरंग धैर्य होता है, प्रकाश की आवृत्ति होती है, प्रकाश का तरंग वेग होता है, आयाम होता है, इसलिए आप प्रकाश को तरंग कहते हैं। यहां मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत को पढ़ने के लिए हम एक बेस तैयार कर रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से आगे का सारा क्लास कर सके। आपको बता दें कि ये जो पढ़ रहे हैं ये 8-9 का कॉन्सेप्ट है, जो आपको पहले से जानना चाहिए, इसलिए ध्यान से आपको समझना जरूरी है, ठीक है? और तब जाकर आप पढ़ने के लायक होंगे मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो शुरू करते हैं। पहला अभिलाक्षणिक गुण, सबसे पहले हम बेस तैयार करते हैं इस टॉपिक के लिए। पहला है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य क्या है? वेवलेंथ। आज हमारा काम इन सभी कॉन्सेप्ट को आपके सीधे माइंड में फिट करना है, क्योंकि हमको लगातार इसका नॉलेज चाहिए। कॉपी में लिखा हुआ कॉपी में ही रह जाता है, इसलिए आज उस ढंग से हम समझाना चाहते हैं कि सबके माइंड में एकदम फिट हो जाए, और 15 दिन तक इस कॉन्सेप्ट का यूज होता रहेगा जब तक इस चैप्टर में चलता रहेगा आगे का टॉपिक, इसलिए ये जरूरी है। तो तरंग धैर्य क्या है? आप जानते हैं तरंग किसी माध्यम में गमन करता है, तो श्रृंग और गर्त बनाते हुए गमन करता है। श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त। तो इस तरह से कोई भी तरंग किसी माध्यम में गमन करता है तो श्रृंग और गर्त बनाते हुए गमन करता है। तो दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को, दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहते हैं। ये पहला परिभाषा। दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं? तरंग धैर्य कहते हैं। तीसरा परिभाषा जरा ध्यान दीजिए, पहले परिभाषा में दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहते हैं, दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहते हैं। जितना ये इधर आगे बढ़ा है, अगर इधर आगे न बढ़ के इधर ही जोड़ दें तो ये कैसा दिखाई देगा? ये एक श्रृंग और एक गर्त, यही ना? जो इधर आगे बढ़ा है इधर वाला पार्ट हम इसको दे दें,
तो एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर भी जितना दूरी तय करता है वो भी क्या कहला सकता है? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य का एक नहीं, दो नहीं, तीन परिभाषा। दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य, दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य, एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर जितना दूरी तय करता है उसको भी तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य एक प्रकार का दूरी है, और आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कि जब ये दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा। तो तरंग दैर्घ्य को लेमडा से सूचित करते हैं, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। क्या ये बात सबके माइंड में फिट हो गया? तरंग दैर्घ्य को लेमडा सूचित करते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है। तो ये है पहला अभिलाषणिक गुण। दूसरा अभिलाषणिक गुण स्टार्ट होने जा रहा है, और दूसरा अभिलाषणिक गुण है आयाम। आयाम, आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं। कोई समुद्री लहर आराम से अपने तल पर प्रवाहित हो रहा है, एक बैग जितना ऊंचा उछाल मार दिया तो जितना दूरी तय किया ऊपर, बस उसी को क्या कहते हैं? अब आप ही बताइए, एक समुद्री लहर 5 मीटर ऊंचा, मतलब एक समुद्री लहर का आयाम है 5 मीटर और एक का आयाम है 10 मीटर, किसमें क्षमता ज्यादा है? 10 मीटर का मतलब वो 10 मीटर ऊंचा उठेगा, तो उस समुद्री लहर में ताकत बहुत ज्यादा है। तो एम्पलीट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव। आयाम जो है किसी तरंग के मतलब इंटेंसिटी का, तीव्रता का, क्षमता का मेजरमेंट है। जितना ज्यादा आयाम होगा समझा जाएगा उसमें उतना ज्यादा पावर है। तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन भी आयाम कहलाता है। यानी यहां से श्रृंग, हमने क्या बताया, श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई, यह है माध्य स्थिति। यहां से जितना ऊपर जाएगा या जितना नीचे आएगा उसको हम आयाम कहते हैं। तो श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं। तो ये भी क्या है? दूरी है, या ऊपर तय किया गया या नीचे, और दूरी का मात्रक। तो एम्पलीट्यूड को ए से सूचित करते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है। समझ में आ रहा है सब कुछ? तो दूसरा अभिलाक्षणिक गुण क्या है? आयाम। और पहला तरंग दैर्घ्य हमने समझाया, अब हम तीसरा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीसरा अभिलाषणिक गुण है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ध्यान देंगे, तीन तरह से समझा रहे हैं इसको, आवृत्ति को। एक पत्थर लिया आपने और उसको एक डोरी, एक रस्सी की सहायता से बांधकर यहां लटका दी, और इसको खींच कर यहां लाकर आप छोड़ दिए, तो एक सेकंड में जितना दोलन पूरा करेगा उसकी संख्या को, लेकिन शर्त है एक ही सेकंड में, एक सेकंड में जितना दोलन पूरा करेगा उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत्ति। और आवृत्ति को सूचित करते हैं न्यू से। न्यू क्या पढ़ते हैं? न्यू, और लिखते हैं इस तरह से। तो यहां ध्यान दिया जाए, हर एक चीज को ध्यान दीजिए। आगे का 15 दिन का क्लास आसान होने वाला है। आज कुछ भी डाउट रहेगा तो फिर आगे दिक्कत होगा, और अपना बेस मजबूत कर लीजिए। तो यहां पर पहला परिभाषा हम दे दिए। दूसरा परिभाषा, एक डोरी लिए और दो जगह से अच्छे से एकदम बांध दिए टाइट, और इसको खींच कर छोड़ दिए, क्या होगा? एक सेकंड में जितना कंपन करेगा उसकी संख्या को कहते हैं आवृत्ति। एक सेकंड में जितना कंपन करेगा उसकी संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। तो ये दूसरा परिभाषा। तीसरा परिभाषा, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार घूम रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो वृत्तीय पथ पर लगातार गतिशील है, एक सेकंड में जितना चक्कर मार देगा, एक सेकंड में जितना चक्कर मार देगा उस चक्कर की संख्या को आवृत्ति कहेंगे, लेकिन शर्त है एक सेकंड में। एक सेकंड में जितना दोलन पूरा करेगा, एक सेकंड में जितना कंपन करेगा, एक सेकंड में जितना चक्कर मार देगा,
उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो ये है आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज एच जेड, जो आप लोग नाइन देने पड़े। तो इस तरह से तीसरा अभिलाषणिक गुण आवृत्ति समाप्त हुआ। एक बार फिर से, आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज, और उसके बाद इसको सूचित करते हैं न्यू से, और एक सेकंड में पूरा किए गए कंपन की संख्या को, दोलन की संख्या को या चक्कर की संख्या को, एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा करता है कोई ऑब्जेक्ट वृत्तीय पथ पर, उसकी संख्या को भी क्या कहते हैं, आवृत्ति। नेक्स्ट अभिलाषणिक गुण, अगला अभिलाषणिक गुण है तरंग संख्या, तरंग वेव, संख्या नंबर, तरंग संख्या, तरंग संख्या को न्यू बार, न्यू बार से सूचित करते हैं, न्यू बार से सूचित करते हैं। तो यहां यह है न्यू और यह है बार। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को, तरंग दैर्ध्य को किससे सूचित करते हैं, लेमडा से, और तरंग दैर्ध्य के उल्टा को तरंग संख्या कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तरंग संख्या। पढ़ लो, अभी दिखावे के साइंस ले ले ब्रा। वन बाई लेमडा क्या हो जाएगा, वन बाई मीटर। तो तरंग संख्या किसे कहते हैं, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। जब तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रक प्रति मीटर, और इसको सूचित करते किसी से, लास्ट पांचवा अब प्रारंभ हो रहा है, तरंग वेग, तरंग वेग, इसको सूचित करते हैं सी से। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल को तरंग वेग कहते हैं, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल को तरंग वेग कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक बता सकते हैं आप लोग, प्रति सेकेंड एक बटा सेकेंड, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक पूरा मिलकर, ऐसे भी आप लोग जानते हैं वेग का मात्रक मीटर प्रति। तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल को तरंग वेग कहते हैं, और इसको सी द्वारा सूचित करते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये था पांच अभिलाषणिक गुण, तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति, तरंग संख्या, तरंग वेग। ये पांच अभिलाषणिक गुण में से एक भी अगर गायब हुआ तो वो तरंग नहीं कहलाएगा। तरंग होने के लिए आवश्यक शर्त है कि पांच अभिलाषणिक गुण होना चाहिए। ये पांच अभिलाषणिक गुण आपके सामने है, जिसको पहले हमने बताया तरंग दैर्ध्य के रूप में, दो लगातार, दो क्रमवार श्रृंगों के बीच की दूरी, या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी, या एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर जितना दूरी तय करता है उसके क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर। अगला आयाम, आयाम को हमने क्या बताया, श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को क्या कहते हैं, आयाम को सूचित करते हैं ए से, और ये भी एक प्रकार का दूरी है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। कोई दिक्कत? और उसके बाद आता है आवृत्ति, एक सेकंड में पूरा किए गए दोलनों की संख्या को या चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड, वन बाई सेकेंड, क्योंकि हम और इसको मापते हैं हर्ट्ज में। कोई दिक्कत? और अब तरंग संख्या, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं, न्यू बार से मापते, न्यू बार से इसको सूचित करते हैं, और इसका मात्रक होता है प्रति मीटर, वन बाय मीटर। तरंग वेग, तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल को क्या कहते हैं, तरंग वेग कहते हैं, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। कैसे मीटर प्रति सेकेंड आया, देख सकते हैं, ये वन बाई सेकेंड गुणा मीटर। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए पीछे, तो फिर हम ध्यान देने लगेंगे। जादू मत दिखाइए, हम भी दिखाते हैं। शुरू हो रहा है आपका पढ़ाई,
आपको पढ़ना था मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। हम पढ़ाने लगे वेव नेचर, तरंग प्रकृति, तरंग होने का लिए आवश्यक गुण, क्योंकि आप उस लायक नहीं थे कि इस चैप्टर के इस भाग को पढ़ सकें। अब आप उस लायक हैं कि आप मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ सकते हैं। क्या है मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ध्यान दिया जाए। आपका टॉपिक शुरू हो रहा है मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, ध्यान दीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट वृत्तीय पथ पर, कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर लगातार गतिशील होती है। आप लोग अभी तुरंत हाल फिलहाल में एक टॉपिक पढ़े थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसमें रदरफोर्ड ने एक स्टेटमेंट गलत बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास करता है, जो कि पूरा का पूरा गलत काट दिया गया मैक्स प्लैंक के द्वारा। मैक्स प्लैंक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु लगातार ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है, बल्कि रुक रुक कर करता है, और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आप सभी स्टूडेंट को कि आप पढ़ने जा रहे हैं मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लैंक तो पर्सन, व्यक्ति का नाम है, जैसे आपका हमारा नाम है। क्वांटम क्या है, खुले ध्यान दीजिए, क्वांटम, क्वांटम क्या है? ऊर्जा के एक पैकेट को, ऊर्जा के एक पैकेट को साइंस की दुनिया में क्वांटम कहते हैं। ऊर्जा के एक सिंगल पैकेट को क्वांटम कहते हैं, और ऊर्जा के बहुत सारे पैकेट को साइंस की दुनिया में क्वांटा कहते हैं। तो क्वांटा क्या है, बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है, किसका? क्वांटम का। क्वांटम क्या है, ऊर्जा का एक पैकेट, और क्वांटा क्या है, एक ग्रुप ऑफ पैकेट। तो ऊर्जा का बहुत सारा पैकेट क्या कहलाता है, क्वांटा, और एक सिंगल पैकेट ऊर्जा का कहलाता है क्वांटम। समझ में आ रहा है? तो अब आप समझ सकते हैं, इसका नाम पढ़ने के बाद आपको कुछ अर्थ निकल सकता है कि यह सिद्धांत किस चीज से संबंधित है। मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत मतलब ऊर्जा से संबंधित सिद्धांत, क्योंकि क्वांटम क्या है, ऊर्जा का एक पैकेट है। इससे पहले आपको कुछ नहीं आना था, क्योंकि क्वांटम का मतलब ही नहीं जानते थे, और क्वांटम का मतलब ए सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक पैकेट। और अब शुरू हो रहा है आपका मेन स्टेटमेंट मैक्स प्लैंक का। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पर लगातार गतिशील होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय पथ पर लगातार गतिशील होता है तो अपने ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार नहीं रुक रुक कर करता है। मैक्स प्लैंक का कहना था कि किसी वस्तु के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ऊर्जा अगर संचित होती है तो वो अपने ऊर्जा का ह्रास लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर करता है, और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों लगातार घूमता है तो ये अपने ऊर्जा का ह्रास लगातार नहीं रुक रुक कर करता है, और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है, जिसे क्वांटम कहते हैं। तो ये था मैक्स प्लैंक का मेन स्टेटमेंट। अब इनका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, जो मेन गणित था, वो अब समझिए। इनका कहना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पिंड अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी ये अपने घूमते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास करता है, तो उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होती है, या तरंग धैर्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंग धैर्य के व्युत्क्रमानुपाती। अभी तुरंत हमने बताया आवृत्ति को किसी से व्युत करते हैं, न्यू से, और ऊर्जा एनर्जी को किसी से, ई से। तो एक बार फिर से, विकृत ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होती है, और तरंग धैर्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का चिन्ह आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जब जब हटता है तो एक नियतांक आता है, जैसे ग्रेविटेशन में जी आया था, गुरुत्वाकर्षण में जी आया था, और यहाँ क्या रहा है, एच। एच को हम प्लैंक का नियतांक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लैंक का नियतांक, प्लैंक का नियतांक,
जिसका एक निश्चित वैल्यू होता है, और ये निश्चित वैल्यू कितना होता है, तो ये निश्चित वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻¹¹ जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ठीक है, ध्यान दिया जाए। तो अब यहां पर अभी अब तुरंत आप लोग एक पढ़े हैं सी बराबर न्यू लेमडा, पढ़े हैं तरंग वेग बराबर आवृत्ति और तरंग धैर्य के गुणनफल को क्या कहते हैं, तरंग वेग। तो बताइए तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा लेमडा। समीकरण नंबर दो, तरंग वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग धैर्य पढ़े हैं, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा। अब समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखाइए, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, E बराबर एच गुणा सी बाई लेमडा। इस तरह से ऊर्जा का एक नया सूत्र आ गया, एच सी बाई लेमडा, जो तरंग धैर्य से संबंधित है, और ये भी ऊर्जा का सूत्र है जो आवृत्ति संबंधित है। अलग से आप लोग और कुछ जान चुके हैं कि एक बटा तरंग धैर्य बराबर तरंग संख्या होता है, अभी तुरंत बताया गया है। तो यहां पर E बराबर एच सी गुणा 1 बाई लेमडा, इसको लिख सकते हैं, तो 1 बाई लेमडा के जगह पर आ गया न्यू बार, एच सी न्यू बार। न्यू बार किसके जगह पर आया, अब एक बार शुरू से अंत तक ध्यान दिया जाए। मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी उत्सर्जित ऊर्जा या विघटित ऊर्जा का उत्सर्जन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, ऊर्जा का ह्रास जो है लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर करता है, और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है, जिसे क्वांटम कहते हैं। और ये विघटित ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती और तरंग धैर्य के विद्युत क्रमानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटते ही नियतांक एच आ गया।